जितने भी लोग नए नए टेक्निकल कोर्स सीख के आए हैं या सीखना चाहते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, तो वो लोग ना बहुत ज्यादा बात करते हैं मूविंग एवरेज के बारे में, क्योंकि उनको क्या होता है, नए नए टेक्निकल्स उन्होंने समझा होता है, सीखा होता है, ट्रेंड लाइंस पे वर्क किया होता है, तो वो लोग उनके लिए मूविंग एवरेज ना बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट वाली चीज हो जाती है। लेकिन उनको ना इसके पीछे कॉन्सेप्ट नहीं पता। मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि 200 डे मूविंग एवरेज जो आप लोग यूज करते हो ना, उसका मतलब ये होता है कि पूरे साल के जो ट्रेडिंग डेज होते हैं ना, वो कुल मिला के 200 के आसपास ही पड़ते हैं। इस वजह से उसको 200 दिन का मूविंग एवरेज कहा जाता है। तो अगर 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर कोई चीज चल रही है, ट्रेड कर रही है, तो उसको अच्छा माना जाता है, और अगर उसके नीचे ट्रेड कर रही है तो उसको बुरा माना जाता है। ये कॉन्सेप्ट होता है मूविंग एवरेजेस का। तो गाइस 200 दिन की मूविंग एवरेज हमारी काउंट होती है 1 ईयर में, 100 डे की मूविंग एवरेज हमारी काउंट होती है 6 मंथ्स में, और 50 डेज की मूविंग एवरेज की बात करूं तो वो एक क्वार्टर की होती है। यानी कि एक क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस है ना, वो कैसा रहा है, अगर 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो एक क्वार्टर में स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया। सिंपल सा मतलब इसका ये होता है। अब अगर हम 20 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो वो सिंपल सा रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे एक मंथ को, यानी कि एक महीने के अंदर मोटा मोटी 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। इसलिए हम लोग 20 डे का मूविंग एवरेज हम लोग अप्लाई करते हैं एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। अगर छोटे टाइम फ्रेम में 20 डेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और हम एक ट्रेड पिक कर सकते हैं। सो गाइस ये है मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय।